फ्रेंड्स, आज मैं नूडल्स बना रही हूँ, वेजिटेबल्स नूडल्स बना रही हूँ, बहुत सारे वेजिटेबल यूज़ करके। पहले तो मैं नूडल्स के लिए बॉईल करने के लिए मैं पानी गर्म कर ली हूँ। पानी में मैं एक चम्मच विनेगर डाल दी हूँ और एक चम्मच नमक डाल दी हूँ। विनेगर डालने से आपके नूडल्स ज़्यादा टूटते नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे रहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और नमक डालने से आपके नूडल्स में नमक का टेस्ट आ जाता है, इसलिए बॉईल करने के वक्त ही विनेगर और नमक आप ज़रूर डालें। इससे बहुत ही अच्छे से नूडल्स बॉईल हो जाता है। नूडल्स एक तरफ बॉईल हो रहा है, तब तक मैं वेजिटेबल्स फ्राई कर लेती हूँ। मैंने पैन में ऑयल गर्म कर ली हूँ। इसके लिए मैं गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, फ्रेंचबीन, कैबेज और मटर के कुछ दाने लिए हैं। सभी वेजिटेबल्स को मैं बारीक कट कर ली हूँ। पहले ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें एक बारीक साइज के कटे हुए प्याज डाल दी हूँ। प्याज को ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज के साथ मैं 2 से 3 हरी मिर्च को डाल दी हूँ। इसे फ्राई होने के बाद फिर जितने भी मेरी वेजिटेबल्स हैं, पीस, कैबेज, कैरेट, सभी को मैं बारीक साइज़ में काटी हूँ, कैप्सिकम, ये सभी को मैं डाल करके वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसे अच्छे से आप पहले मिक्स कर लें, मिक्स करके मीडियम आंच पे आप इसे फ्राई करिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में डाल दी हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से आपको वेजिटेबल में मिक्स करके इसे भूनना है। और इसके बाद टमाटर मैं डाल दी हूँ, टमाटर मैं लास्ट स्टेप में डाल दी हूँ। टमाटर, एक लाल टमाटर को मैं बारीक चॉप कर ली हूँ। टमाटर के साथ 1 चम्मच मैं नमक डाल के मिक्स करके इसे भी अच्छे से सभी वेजिटेबल को भून ले रही हूँ। आपको वेजिटेबल को कम से कम 15 मिनट तक भूनना है कि वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाए, कच्चापन ना रहे। वेजिटेबल्स भूनने के साथ साथ अब मैं इसमें कुछ पाउडर मसाले में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसे भी डाल के अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं मैगी मसाला आता है, उस मैगी मसाला मैं 1 पैकेट यूज़ कर रही हूँ। आप मैगी मसाला की जगह मैगी मसाला आपके मार्केट में भी मिल जाते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप मसाला मैजिक यूज़ कर सकते हैं। मैं मैगी का मसाला 1 पैकेट मिक्स की हूँ। मैगी मसाले डालने से नूडल्स में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, वेजिटेबल्स में भी टेस्ट अच्छा आता है। अभी सभी को डालने के बाद मैं वेजिटेबल को अच्छे से कुछ देर फ्राई कर ले रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं वेजिटेबल में 1/2 चम्मच विनेगर डाल दी हूँ। इससे वेजिटेबल मेरा बिल्कुल सॉफ्ट रहे, ज़्यादा टूटे ना वेजिटेबल। और विनेगर के बाद मैं इसमें 2 चम्मच के करीब टोमेटो केचप डाल दी हूँ। वेजिटेबल में ही मैं केचप को मिक्स कर दी हूँ। इस तरह से आप वेजिटेबल में केचप को मिक्स करके बनाइएगा तो नूडल्स में अच्छे से केचप का फ्लेवर पूरी तरह से जाता है। उसे भी केचप को मिक्स करने के बाद भी मैं अच्छे से मसाले को भून ली हूँ। मसाले को बिल्कुल आप अच्छे से मीडियम आंच पे भून लें। देखिए मेरा बिल्कुल मसाला भी भुना गया, वेजिटेबल भी मेरा, टमाटर सॉफ्ट हो गया है, इधर मेरे नूडल्स भी बिल्कुल तैयार है। नूडल्स का गैस फ्लेम ऑफ कर दी हूँ मैं। अब नूडल्स को मैं ठंडा होने के लिए निकाल रही हूँ। पहले तो मैं नूडल्स को चलनी की हेल्प से छान ले रही हूँ। नूडल्स को छान के सादा पानी आप निकाल दें। उसके बाद आपको नूडल्स को ठंडे पानी से वॉश करना है। नूडल्स को ठंडे पानी से मैं वॉश कर रही हूँ। वॉश करने से नूडल्स आपका बिल्कुल खड़े खड़े रहेंगे, चिपकेगी नहीं। वॉश करने के बाद नूडल्स को मैं ठंडा होने के लिए 10 मिनट रख दी थी। वेजिटेबल्स भी मेरा रेडी है, फ्राई हो चुका। नूडल्स भी देखिए मेरा ठंडा हो चुका, बिल्कुल चिपका नहीं है, बिल्कुल अलग अलग सारे नूडल्स हैं। अभी से मैं वेजिटेबल में डाल के गैस का फ्लेम मीडियम आंच पे रखूँगी। अब नूडल्स को आपको वेजिटेबल्स में अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे नूडल्स में वेजिटेबल का कोटिंग हो जाए, मसाले का कोटिंग हो जाए। इसे आप मीडियम आंच पे रख के 15 मिक्स करते करते ही भूनना है ताकि नूडल्स में भी फ्लेवर अच्छे से आ जाए सभी चीज़ का। 15 से 20 मिनट आपको अच्छे से मैं भून ले रही हूँ नूडल्स को। मेरा नूडल्स बिल्कुल तैयार है, बन चुका है। अब गर्मा गर्म मैं इसे सर्व कर रही हूँ। इसके साथ मैं केचप डाल दी हूँ और हरे धनिया पत्ती को मैं बारीक चॉप कर ली हूँ। इसको ऊपर से मैं गार्निश कर रही हूँ। इसे गर्मा गर्म मैं सर्व कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का ये वेजिटेबल नूडल्स बनाता है, हेल्दी और टेस्टी है, सभी खा सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये नूडल्स। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इजी रेसिपी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।